डियर स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एबीईओ अर्थात सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी जो आगामी परीक्षा होने वाला है उस पर द्वितीय पेपर का पहला टॉपिक शिक्षा का आधार इकाई एक पहला टॉपिक शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य को पढ़ाने वाला हूं। तो हम लोग आज जो हमको चलना है शिक्षा का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए एक एक नजर हम लोग इसको देखते हैं, परीक्षा का क्या बोलता है, आपका शिक्षा का अर्थ क्या है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो शिक्षा का अर्थ जहां तक आता है, सवाल होता है, तो एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के तीन शब्दों से मानी गई है। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि एजुकेशन जो शब्द है किस भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से। कितने शब्द से माना गया, तो तीन शब्द से। ये सब क्वेश्चन बन सकती है, एडुकेटम, एडुकेयर और एडुसियर, माने तीन अर्थ इसका लिया गया, एडुकेटम, एडुकेयर एंड एडुसियर। जहां तक एडुकेटम की बात है उसका अर्थ है एक्ट ऑफ टीचिंग और ए ट्रेनिंग, शिक्षण कार्य या प्रशिक्षण कार्य, पहला अर्थ में इसका लिया गया। जहां तक और अगर इसका हम छिद्रण बेसन करें और अगर तोड़े तो एडुकेटम को ई धन केटम से मिलकर बना है। एडुकेटम जो शब्द है ई धन केटम से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर और केटम का अर्थ है आगे बढ़ना, अर्थात शिक्षा का अर्थ है अंदर की ओर आगे बढ़ाना बच्चे को, ऐसे करके बोला जा सकता है। वहां जहां तक एडुकेयर की बात है तो इसका अर्थ होता है टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप, टू राइज, अग्रसर करना, पथ प्रदर्शन करना। जहां तक एडुसियर की बात है द एक्ट ऑफ ए ट्रेनिंग, ब्रिंगिंग अप एंड लीडिंग आउट, प्रशिक्षण, संवर्धन और पथ प्रदर्शन। इस आधार पर एजुकेशन शब्द का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर ले जाना, अर्थात बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर सर्वांगीण विकास करना। तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कितने भाषा से लिया गया, कौन सी भाषा से, तो लैटिन भाषा से लिया गया, कितने शब्दों में किया गया, तो तीन शब्दों में किया गया, कौन से शब्द है, ऐसे क्वेश्चंस यहां बन सकते हैं जो आपको देख के जाना है। थोड़ा सा इनकी परिभाषाओं को अगर मैं लेके चलूं कि परिभाषा क्या कहते हैं, तो परिभाषा अगर देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा यहां पर मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें आता है सुकरात। सुकरात कहता है शिक्षा का अर्थ संसार के सर्वमान विचारों को जो कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होती है प्रकाश में लाना है। निहित होगा यहां पर, निहित होती है प्रकाश में लाना। एडिसन कहते हैं जब शिक्षा मानव मस्तिष्क पर कार्य करती है तो वह उसके सद्गुणों और पूर्णता को बाहर लाकर व्यक्त कर देती है। फ्रोबेल कहते हैं शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती है। तो जन्मजात शक्तियां वाला कौन बोल रहा है, फ्रोबेल। मैंने कुछ याद करने का जो क्वेश्चन बन सकता है कि अगर जन्मजात शक्ति, कुछ कुछ परिभाषा याद करने को टेक्निक यह होती है कि जन्मजात शक्ति बोले तो फ्रोबेल होगा। टीपी नन क्या कहते हैं, शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिसके द्वारा वह यथाशक्ति मानव जीवन को मौलिक योगदान कर सके। पेस्टोलॉजी कहते हैं शिक्षा मनुष्य के जन्मजात, ये भी जन्मजात, दो लोग जन्मजात कह रहे हैं, एक फ्रोबेल और एक पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी शिक्षा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। बस थोड़ा सा दोनों में अंतर देख लेना, जन्मजात दो व्यक्ति बोले हैं, क्या बोले, फ्रोबेल और पेस्टोलॉजी, लेकिन एक जन बोला है जन्मजात शक्ति को बाहर प्रकट करना और एक जन पेस्टोलॉजी कहता है जन्मजात शक्ति का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास। महात्मा गांधी कहते हैं शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण में। माने महात्मा गांधी तो मन, शरीर, मन और आत्मा, ये बस ये कोटेशन याद कर लें, शरीर, मन और आत्मा आया महात्मा गांधी। स्वामी विवेकानंद की बात कर शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रकटीकरण, बहुत छोटी सी स्वीट सी परिभाषा है, शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रकटीकरण है स्वामी विवेकानंद। कुछ अन्य परिभाषा को अगर हम यहां पर देखने की कोशिश करें तो आता है जॉन डीवी का। जॉन डीवी कहता है शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है वरन जीवन यापन की प्रक्रिया है। जॉन डीवी जीवन, अब देखो जीवन यापन की प्रक्रिया बोले तो आप ये कह सकते हैं जान भाई जीवन यापन में जान लग जाती है, ऐसे याद करना, जीवन यापन की प्रक्रिया जॉन डीवी। जे एस मैकेंजी, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है, जे एस मैकेंजी कहते हैं।
प्लेटो कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करता है। और अरस्तु कहता है शिक्षा स्वस्थ शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क निर्माण करती है। ये भी बहुत सुंदर परिभाषा है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। कौन कहता है? अरस्तु, प्लेटो का शिष्य है ना अरस्तु। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यद्यपि बहुत व्यापक उद्देश्य है शिक्षा का उद्देश्य की अगर बात कर लिया जाए, लेकिन सब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रयोजन से अलग अलग इसका उद्देश्य बताते हैं। जैसे आदर्शवादी की बात करूं तो आदर्श व्यक्ति व्यक्तित्व का विकास, आध्यात्मिक उन्नति करना और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना कहते हैं। और आदर्शवादियों के समर्थक स्पिनोजा, कांट, हीगल, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रास आदि विद्वान। जहां तक यथार्थवादी की बात किया जाए, यथार्थवादी जो शिक्षाविद है वो कहते हैं व्यावसायिक शिक्षा का विकास होता है, शिक्षा से जीवन को सुखी बनाना होता है, पूर्ण एवं वास्तविक जीवन के लिए तैयारी करना होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कमी लाना, माने प्रभावित वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि करना, यहां पर वृद्धि होना था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि लाना, यहां पर ऐसे करके लिख लेना। तो यथार्थवादी यथार्थ में जीवन जीते। प्रकृतिवादी वहीं पर प्रकृतिवादी के बात बोलते थे, जीवन संघर्ष के लिए तैयारी। प्रकृतिवादी कहते हैं इसका जो वास्तविक जो काम है जीवन संघर्ष में, जीवन संघर्ष के लिए तैयारी करना, बालक का वातावरण के साथ अनुकूलन करना, व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना। इसके समर्थक में अरस्तु, अगस्त कॉम्टे, बेकन, लेमार्क, रूसो आ जाते। प्रयोजनवादी जो कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य मूल्य एवं आदर्शों का विकास करना, सामाजिक कुशलता का विकास करना और रुचि एवं प्रवृत्तियों पर बल देना, जिसके मेन समर्थक जॉन डेवी है। तो इस प्रकार के कुछ इस शिक्षा के उद्देश्य है। इसके बाद हमको जो मेन देखना है शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में बात करना है। तो शिक्षा की प्रक्रिया, तो शिक्षा की दो प्रक्रियाएं होती, ध्यान रखेंगे शिक्षा कितनी प्रक्रिया, तो शिक्षा की दो प्रक्रियाएं होती, कौन कौन सी? द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी प्रक्रिया। तो द्विमुखी प्रक्रिया में कौन बात करता है? द्विमुखी प्रक्रिया में एडम्स कहते हैं, एडम्स कहते हैं शिक्षा जो काम है द्विमुखी प्रक्रिया है, जो शिक्षक को छात्र, शिक्षक ज्ञान देता है किसको? छात्र को। माने एक तरफ से ज्ञान दिया जाता है, एक तरफ से लिया जाता है, दो मुखी प्रक्रिया एडम्स कहते हैं। त्रिमुखी प्रक्रिया वाले हैं जॉन डेवी, जॉन डेवी कहते हैं त्रिमुखी प्रक्रिया शिक्षा, माने शिक्षक छात्र तो मानता है, शिक्षक और छात्र, लेकिन भाई पाठ्यक्रम, सामाजिक शक्तियों का पाठ्यक्रम भी तो होना चाहिए, किस पाठ्यक्रम पर आपको शिक्षा दे रहे हैं, ये भी अपने आप में सही है जॉन डेवी की शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, शिक्षक छात्र और सामाजिक शक्तियों का पाठ्यक्रम। अब आता है शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो शिक्षा का स्वरूप में नियमित और अनियमित शिक्षा हो सकती है। नियमित शिक्षा कैसी होगी? तो नियमित शिक्षा आप स्कूलों में जैसे शिक्षक होता है नियमित शिक्षा होता है, और व्यावहारिक शिक्षा जो आप देते हो वो अनियमित शिक्षा होता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रत्यक्ष आमने सामने, गुरु यहां बैठ गया, चेला यहां बैठ गया, आमने सामने परीक्षा प्रत्यक्ष है, और परोक्ष जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और परोक्ष या अप्रत्यक्ष शिक्षा है। व्यक्तिक एवं सामूहिक शिक्षा, मैंने पर्सनल किसी व्यक्ति को आप पढ़ा रहे हो तो व्यक्तिक शिक्षा, पाठशाला में सबको पढ़ा रहे हो एक साथ सामूहिक, तो सामूहिक शिक्षा इसमें भी बांटा जा सकता है। सामान्य और विशिष्ट शिक्षा, सामान्य व्यक्तित्व, मैंने जैसे स्कूल में आप जाते हो तो व्यक्ति को सामान्य जीवन के प्रशिक्षण दिया जाता है, तो सामान्य शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा जैसे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप पीएससी का तैयारी कर रहे हो या किसी एसएससी का तैयारी कर रहे हो, तो इस विशेष ढंग से आपको शिक्षा दिया जाएगा, तो मैं कहूंगा ये विशिष्ट शिक्षा है। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक बिल्कुल फॉर्मल होता है, भाई शिक्षा में भर्ती होना था, एप्लीकेशन भरो और एक निश्चित समय होगा, तो औपचारिक शिक्षा हो। और जो व्यवहारिक रूप से हम घर में देते हैं बच्चों को, जो व्यवहारिक शिक्षा समाज देता है, हमारा परिवार देता है, वो अनौपचारिक शिक्षा होता है। तो इस प्रकार शिक्षा के स्वरूप हो सकते हैं। अब एक चीज और है, शिक्षा एवं साक्षरता में क्या अंतर है? बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई शिक्षा में क्या अंतर है, साक्षरता में क्या अंतर है। तो शिक्षा पहले ही बहुत बार हम लोग प्रकट कर चुके हैं, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। लेकिन साक्षरता में एक चीज है, इसका सामान्य अर्थ है लिखना, पढ़ना और मित्रता। माने आपको लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और मित्रता माने सामूहिकता आनी चाहिए, तो आप साक्षर है, ये कहा जाता है साक्षर के लिए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस प्रकार शिक्षा का एक सामान्य ढंग से मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाने की कोशिश किया। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आपको पसंद आएगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।